नमस्ते दोस्तों, मैं राजा आर्या, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के कोने एपिसोड में। दोस्तों, आप में से बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी हो चुकी होगी, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनकी अप्रेंटिसशिप अभी तक नहीं लगी है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अभी चल रही होगी। तो आखिर ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है? दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यानी शिक्षुता प्रशिक्षण, यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में कोई कैंडिडेट किसी डिपार्टमेंट, किसी उद्योग या फिर किसी कंपनी में एक निश्चित समय अवधि के लिए प्रशिक्षण ग्रहण करता है, और इस निश्चित समय अवधि के दौरान उसे कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। दोस्तों, आखिर यह अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, डीजीटी के द्वारा जारी पत्र दिनांक 16 जून 2023 के अनुसार यह अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कुल 5 तरह की होती है। तो दोस्तों, कौन से हैं 5 तरह के प्रकार, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह वो पत्र है जो MSDE के द्वारा दिनांक 16 जून 2023 को जारी किया गया है, और वैसे तो यह पत्र ऑप्शनल ट्रेड की क्लेरिफिकेशन के बारे में था, लेकिन इसी पत्र में जितने तरह के अप्रेंटिसज होते हैं उनके बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों, पूरा पत्र न पढ़ते हुए हम केवल जो मुख्य बिंदु हैं उन्हीं पर चलेंगे। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 3 में जितने तरह के अप्रेंटिसज होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले अप्रेंटिसज की तरफ। तो सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिसज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यह 1 साल की ड्यूरेशन के लिए होते हैं, और इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है डिग्री इन इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। और यह स्कीम 1973 में लागू हुई थी, और यह नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत आती है। दूसरे नंबर के जो अप्रेंटिसज होते हैं वो होते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसज। यह भी 1 साल की अवधि के लिए रखे जाते हैं, और इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। और यह 1973 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और इसके अंदर भी 163 कोर्स आते हैं, और यह NATS स्कीम के अंतर्गत आती है। दोस्तों, अभी बात करें तीसरे नंबर के अप्रेंटिसज की, तो ये होते हैं टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिसज, और ये 1 साल की अवधि के लिए रखे जाते हैं, और इसकी जो योग्यता होती है वो होती है 12th class विद वोकेशनल सब्जेक्ट। दोस्तों, नॉर्मल 12th के अलावा एक वोकेशनल सब्जेक्ट की 12th भी होती है, तो ऐसे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह स्कीम 1986 में लागू हुई थी, और यह NAPS के अंतर्गत आती है। दोस्तों, चौथे नंबर पर ट्रेड अप्रेंटिसज आते हैं, और ये काफ़ी पॉपुलर कैटेगरी है, क्योंकि इसमें IT होल्डर्स कैंडिडेट रहते हैं, और इसकी जो समय अवधि है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक की रहती है, और इसमें 8वीं 10वीं 12th ITI और कुछ BSc के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और यह स्कीम 1961 में लागू की गई थी। अभी इसमें कुल 266 ट्रेड ऐसी हैं जिनमें अप्रेंटिसशिप की जा सकती है, और यह NAPS के अंतर्गत आती है। दोस्तों, पाँचवीं और दूसरी पॉपुलर जो कैटेगरी है वो है ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिसज की, और इसकी जो समय अवधि रहती है वो 6 महीने 9 महीने 1 साल की रहती है। और दोस्तों, इसके लिए 5वीं 8वीं 10वीं 12th इन वोकेशनल डिग्री, नॉन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, ये सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि ऑप्शनल ट्रेड के अंदर बहुत सी कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं, यानी 5वीं कक्षा से लेकर डिग्री इन इंजीनियरिंग तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो स्कीम है यह 2014 में लागू की गई थी, और इसमें 400 से ज़्यादा ट्रेडे हैं, और यह NAPS के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, इस तरीके से कुल 5 तरह के अप्रेंटिसज यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कुल 5 तरह के अप्रेंटिसज लाइनों पर जाकर आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि वर्तमान की हम बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिसज और ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिसज ये बहुत ज़्यादा चलन में हैं, और आपके लिए ऑप्शनल ट्रेड के अंदर बहुत सारे अवसर हैं। और दोस्तों, यह लेटर भी इसी के रिगार्डिंग जारी किया गया है, क्योंकि ऊपर की जो 3 कैटेगरीज हैं उनको देखते हुए डीजीटी ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि जो 5वीं यानी ऑप्शनल ट्रेड की जो कैटेगरी है उसके अंदर सभी तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह लेटर सभी RDSDs, सभी स्टेट एडवाइजर्स के लिए जारी किया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो के द्वारा आपकी 5 तरह की अप्रेंटिसशिप स्कीम्स के बारे में
जानकारी अवश्य मिली होगी। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यावर्त।